कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्य पत्रक 44 व 45 हल करेंगे, पेज नंबर 52 व 53 पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ हमें संख्या दे रखी है 9071, उसमें हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर आने वाली संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ हजार के स्थान पर 9, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 1 है, तो हमने इसको विस्तारित कर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और हजार के स्थान पर आने वाले अंकों को लिखा है। प्रश्न है 8081, यहाँ से इकाई पर 1, दहाई पर 8, सैकड़ा पर 0 और हजार पर 8, तो हमने सैकड़ा पर लिखा 0, दहाई पर 8, इकाई पर 1 और हजार पर 8। इसी प्रकार गए 37,990, 10,000 पर 1, हजार पर 7, सैकड़ा पर 9, दहाई पर 9 और इकाई पर 0। गए 7,047, यहाँ पर हजार पर 7, सैकड़ा पर 0, दहाई पर 4 और इकाई पर 7। इस प्रकार हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार पर आने वाले अंकों को लिखा है विस्तारित करके। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में के लिए संख्या लिखे। हमें यहाँ विस्तारित रूप दे रखा है, इसकी हमें संख्या बनानी है, विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखनी है। तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा पर कोई संख्या नहीं है और हजार के स्थान पर 9, तो यहाँ इकाई पर 9, दहाई पर 4, सैकड़ा पर 0 लिख दिया और हजार पर 9, इससे हमने 9,049 संख्या बनी है। यहाँ इकाई पर 9, दहाई पर 8, सैकड़ा पर 9 और हजार पर 2, तो हमने संख्या बनाई है 2,989। गए 3,000 + 80 + 1 + 200, इकाई पर 1, दहाई पर 8, हजार पर 2 और सैकड़ा पर 3, 3,281। यहाँ इकाई पर 2, दहाई पर 7, सैकड़ा पर 7, हजार पर 9, 10,000 पर 8, 89,772। इस प्रकार हमने सभी विस्तारित रूपों से संख्या बना ली है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ये देखिए 70,707, हमने यहाँ एक बार संख्या लिख ली है 70,707, इसका विस्तारित रूप होगा 70,000 + 700 + 7। 5,549 का विस्तारित रूप होगा 5,000 + 500 + 40 + 9, संख्या हमने लिख दी 5,949। 898, 800 + 90 + 8, 55,009, 50,000 + 5,000 + 9, 956, 900 + 50 + 6, इन सभी संख्याओं का विस्तारित रूप हमने लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मानों को देखें और संख्या लिखे। यहाँ मैं हजार पर 2, सैकड़ा पर 7, इकाई पर 2 और 10,000 पर 8, तो यहाँ हमें दहाई का अंक नहीं दे रखा, तो दहाई के अंक के स्थान पर 0 लिखेंगे। यहाँ देखिए इकाई पर 2, दहाई पर 0, सैकड़ा पे 7, हजार पर 2 और 10,000 पर 8, यहाँ से हमने इन अंकों को लेकर ये संख्या बना दी स्थानीय मान से। दूसरा देखो, है इकाई पर 7, सैकड़ा पर 9 और दहाई पर 0, तो यहाँ इकाई पर 7, दहाई पर 0 और सैकड़ा पर 9, 907 संख्या बनी है। गए हजार पर 1, सैकड़ा पे 4, इकाई पर 8, 10,000 पर 5 और दहाई पर 2, इन सबसे मिलकर 51,428 संख्या बनी है। इनको हमने क्रमश से लिख दिया, इकाई पर 8 लिख दिया, दहाई पर 2, सैकड़ा पे 4, हजार पर 1 और 10,000 पर 5, क्रमश सही क्रम में जमा कर संख्या बना दिए। घ इकाई पर 4, दहाई पर कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख देंगे, सैकड़ा पर 2 और हजार पर 3, 3,204। इस प्रकार हमारा कार्य पत्रक 44 पूरा हुआ। अब हम करेंगे कार्य पत्रक 45।
कार्य पत्रक 45 दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। यहाँ इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा सही क्रम में संख्या लिखी हुई है, तो हम इकाई में से इकाई घटाएंगे, ढाई में से ढाई और सैकड़ा में से सैकड़ा। इकाई दो में से सात, दो में से सात नहीं जाता तो हमने इससे उधार लिया, कितने बन गए 12, 12 में से सात गए तो 5। अब यहाँ कितना बच गया 3, 3 में से दो गए तो 1 और 5, 7 में से दो गए तो 5। 742 में से 227 को घटाया तो 515। इसी प्रकार यहाँ 8 में से 8 गए तो 0, 4 में से दो गए तो 2 और 8 में से 8 गए तो 0। 848 में से 828 को घटाया तो 20 आया गए। इकाई में से इकाई का अंक घटाएंगे, 6 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ उधार लिया इसने, तो ये 10 बन गया, 10 ने इसको 1 दे दिया, ये 9 बच गया और ये कितना बन गया 16, 16 में से 9 गए तो 7 और यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गए तो 2 और ये 4 में से 1 गया तो 3। 4906 में से 1609 गया तो 3297। यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 2 नहीं जाता इसने उधार लिया, कितने बन गया 11, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 0 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 2। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़े व इकाई पर लिखे अंकों को अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाएं, नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताएं। यहाँ हमें एक संख्या दे रखी है, मूल संख्या है 452। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, सैकड़ा और इकाई के अंकों को आपस में बदलना और नई संख्या बनाना, तो सैकड़ा के स्थान पर 2 है, 4 और इकाई पर 2, तो इनको हमने आपस में बदल दिया। इकाई के स्थान पर 2 था जो सैकड़ा पर आ गया, और सैकड़ा के स्थान पर 4 था जो इकाई के स्थान पर आ गया, और नई संख्या क्या बनी 254। 452 में से 254 को घटाया तो अंतर आया 198। इसी प्रकार 903, इसके स्थान क्रम से बदलने पर 309, 903 में से 309 गए तो 594 गए। 2751 में से इनके अंकों 1 और 7 को आपस में बदल दिया तो संख्या बनी 2157। 2751 में से 2157 घटाया तो 594। मूल संख्या है 37012। 0 और 2, इकाई और सैकड़ा को आपस में बदल दिया तो 37210। इन दोनों का अंतर निकाला तो आ गया 198। प्रश्न नंबर 3, संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंक को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। 929 के सैकड़ा और इकाई के अंक को बदलने पर 929 ही रहेगी, क्योंकि दोनों के स्थान पर 9 है तो 9 का आपस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या 711 के ढाई व इकाई के अंक को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। 711 के आपस में इकाई व ढाई के अंक बदलने से 711 ही रहेगा। प्रश्न नंबर 4, 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से 5 अंकीय संख्या बनाइए जिनमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 4 हो। तो हम दो स्थान पहले से फिक्स कर देंगे, इकाई पर रख दिया हमने 9 और सैकड़ा पर 4, इसके अलावा हम 3 अंकों को क्रमशः बदल कर रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ संख्या बनाई 78469। प्रश्न नंबर 5, 3, 4, 1, 2, 7 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाइए जिनमें इकाई के स्थान पर 1 और ढाई के स्थान पर 3 हो। तो यहाँ पर इकाई का स्थान फिक्स कर दिया 1 और ढाई का स्थान फिक्स कर दिया 3, इसके अलावा इन अंकों को हम बदल कर लिख सकते हैं, तो हमने संख्या बनाई है 74231। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 44 व 45 पूरा हुआ।